केशव हे माधव हे गोविंदा रक्षा रक्षा पाणि पाणि परमानंदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जो 5000 साल से अधिक पुराना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो चलिए सबसे पहले हम हमारी गाड़ी को इधर पार्क करते हैं। केशवराज मंदिर ना दापोली के पास एक छिपे हुए गांव में स्थित है, जिसे असुत के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। दापोली शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीच में बसा प्राचीन केशवराज मंदिर है। यह मंदिर ना 5000 साल से भी अधिक पुराना है और ऐसा माना जाता है कि इसे पांडवों ने सिर्फ एक ही रात में बनाया था। सो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का मजा लेने और केशवराज मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने। सो आप देख ही सकते हो कि यहाँ का रास्ता कैसा है। यहाँ से आपको ना झरने की आवाज भी सुनाई देगी। यहाँ पर ना बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स हैं, लेकिन आजू बाजू बहुत ग्रीनरी है। हरे भरे जंगल के जरिए आप एक ट्रैक के बाद मंदिर तक पहुँच सकते हैं। आपको लगभग 150-200 सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वास्तविक मंदिर तक जाने वाला मार्ग एक छोटे जंगल के रास्ते का ट्रैक जैसा दिखता है। आपको ना मंदिर तक पहुंचने के लिए करीबन 30 मिनट तो अवश्य लग जाएंगे। मंदिर के मार्ग में ना एक बहुत ही सुंदर सा पुल भी पड़ता है, जिसके नीचे से एक नहर बहती है। शांत वातावरण के बीच मंदिर की यात्रा आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। केशवराज मंदिर ना प्रकृति के आकर्षण के साथ ही साथ आध्यात्मिकता को भी दिखाता है। शांति की तलाश करने वालों को ना एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। बस अभी कुछ देर बाद हम मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। सो ये देखिए, ये है केशवराज मंदिर। तो फिर चलिए अभी अंदर जाते हैं। यहाँ पर ना प्राकृतिक झरना वास्तव में मंदिर के पास पहाड़ी की चोटी से निकलता है। यह धारा साल भर गोमुख से होकर बहती है। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारा ये व्लॉग और भी लोगों तक पहुंच सके। तो फिर चलिए मिलते हैं दापोली के अगले व्लॉग में। हमारे अगले व्लॉग में हम आपको दापोली के और भी बहुत सारे जगहों पर लेकर जाएंगे। तो चलिए अभी हमारे इस व्लॉग को हम इधर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में।